वसूली बंद करो, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद। कारण ये है कि माननीय प्रदेश सरकार के द्वारा 22 घंटे बिजली देने के आश्वासन नहीं वादा के साथ मिट्टी तेल में भारी कटौती की गई। कमोबेश मिट्टी तेल किसी को मिल नहीं रहा है। शाम के समय जो आदापुर में बिजली रहना चाहिए, चाहे कहीं भी, शाम में बिजली की अति आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद और मध्य रात्रि तक जो बिजली की कटौती हो रही है, लोग मोबाइल के रोशनी के सहारे खाना बनाने और खाना खाने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। बार बार अधिकारियों को कहने के बावजूद एक वाक्या है, आज से 3 दिन पहले कार्यपालक अभियंता रक्सौल को जब हमने 9:15 में फोन लगाया रात्रि में, तो उन्होंने कहा कि आप ऊर्जा मंत्री से बात कीजिए। ऐसा गंभीर और ऐसी घिनौनी हरकत जो कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया गया, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक उपवास के माध्यम से आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। और ज्ञापन के बाद अगर ये भ्रष्ट अधिकारी अपने कार्यों में और जनता के जो लोक कल्याणकारी राज है, लोक कल्याणकारी कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, तो हम लोग रक्सौल कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के समक्ष महाधरना करने का काम करेंगे। और उस धरना के माध्यम से जो हमारे कार्यपालक अभियंता महोदय ने कहा कि आप ऊर्जा मंत्री से बात कीजिए, तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और उनको चुनौती देता हूँ कि जब तक यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक हम लोग उनको चैन से नहीं रहने देंगे, चाहे इसके परिणाम जो हो। हम लोग आज तक हम लोगों का इतिहास रहा है, जन समस्याओं के प्रति हम लोग सदा संवेदनशील रहे हैं। और जिस प्रकार से चुनौती बिजली विभाग के अधिकारियों ने आदापुर में दिया है, उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हुए निश्चित तौर पर आज से ठीक 1 साल पहले बिजली के समस्याओं के लिए ही हम जेल गए थे, और मैं इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं पुनः जेल जाऊंगा। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ का जो बर्ताव है, इन भ्रष्ट अधिकारियों का जो आम लोगों का शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगा और वे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग आम रन अनशन करने को तैयार हैं, यहाँ से लेकर के और रक्सौल तक नहीं बल्कि मोतिहारी तक आंदोलन होगा। और निश्चित तौर पर लोगों को, जो आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, आप देखिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर पहले उसका कनेक्शन, स्मार्ट मीटर का कनेक्शन कमर्शियल जगहों पर होना चाहिए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। वैसे गरीब लोगों के घर पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जो लोग समझने वाले नहीं हैं। खुला तार है, नंगा तार है, उसी में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। एक जगह नहीं लगाया जा रहा है, 5 इस गाँव में, 5 उस गांव में लगा करके और खाना पूर्ति किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमने सभी अधिकारियों को कह दिया है कि इस व्यवस्था में आप लोग सुधार कीजिए। सरकार का पॉलिसी है स्मार्ट मीटर लगे, तो हम लोग उस पॉलिसी के तहत हैं, उस नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जर्जर पोल तार, कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है 3 से 4 दिन, चंदरमन में हम कहते रह गए, 3 दिन के बाद वहाँ ट्रांसफार्मर लगा। जाइए एक गांव में, एक एक ट्रांसफार्मर पर 500 से 600 उपभोक्ता हैं। हम लोग लिख कर दे करके देते देते परेशान हो चुके हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि आदापुर में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ जो परेशानी हो रही है, जो परेशान किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, जब तक वे लोग अपने आदत में बदलाव नहीं करेंगे, हम लोग भी अपने आदत में बदलाव करने वाले नहीं हैं। उनको देहात में कहावत होता है हरदी गर्दी, तो हरदी गर्दी बुला करके ही हम लोग दम लेने वाले हैं। हम लोग हर हालत में न्याय के लिए संघर्ष होगा और
हम लोग संघर्ष करके न्याय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जनता हमको, हमारे पत्नी को क्षेत्र संख्या 12 से जिला पार्षद के रूप में निर्वाचित की है। एक पैसा खर्च नहीं लगा है, दावे के साथ मैं कहता हूँ। हमारे कामों पर लोगों ने विश्वास किया तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। इन बातों के साथ आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक और मेरा सवाल है कि नया विद्युत कनेक्शन लेने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं बिजली ऑफिस का चक्कर लगाते रहते हैं, उनको मिल नहीं पाता है, और जब भी मिलता है तो उनसे डिमांड भी किया जाता है कि 1500 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, जबकि मीटर का पैसा ऑलरेडी बिल में ऐड करके आता है। देखिए, आपने सवाल किया, सवाल बिल्कुल जायज है। आप देखिए, जब नया कनेक्शन ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन जब करना है, ऑनलाइन के माध्यम आपको कनेक्शन मिलना है, किस परिस्थिति में इन लोगों के द्वारा रोक कर रखा जाता है। आज आपने ऑनलाइन किया, आपको आज मिलना चाहिए, लेकिन 24 घंटा के अंदर होता है कि कनेक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति ऑनलाइन करा लेते हैं उनको लगता है कि हमने विद्युत संपर्क स्थापित कर लिया, और कल होके ये अधिकारी जाते हैं और उसको पकड़ कर मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अगर आप बारीकी से समझिएगा, जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, उस शोषण को अगर आप समझिएगा तो निश्चित तौर पर कोई भी सजग व्यक्ति इस व्यवस्था से उब जाएगा और इसके खिलाफ बोलना उसकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार उन्होंने अप्लाई ऑनलाइन किया, रिजेक्ट भी हो जाता है और मिल भी नहीं था, और उनके ऊपर FIR भी हो जाता है विद्युत चोरी का। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आप देखिए, आज से 6 साल पहले यहीं पर कृषि का ट्रांसफार्मर लग चुका है, जो यूनिट होना चाहिए लग चुका है। कोई भी ज़रूरतमंद किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो क्या उनको मीटर दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। पैसा की मांग होती है, 2 से 3 हज़ार रुपये लिया जाता है, और देने के उपरांत चुपके चुपके उसको मीटर देने का काम किया जाता है। एक गिरोह है यहाँ पर, एक गिरोह कायम हो गया है, वो गिरोह सक्रिय हो गया है, लोगों का खून चूसने का काम कर रहा है। तो क्या इस गिरोह के भगाने के लिए आप ऊर्जा मंत्री से जाएंगे मिलने के लिए? देखिए, जनता में वो ताकत होती है कि ऊर्जा मंत्री आपके दरवाजे पर आएंगे, इसीलिए हम लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। और आप पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 15 दिनों के अंदर अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, हम लोग जानते हैं उपाय कैसे होता है। भ्रष्ट अधिकारी आँख में आँख मिलाकर बात नहीं करते, इसलिए हम लोग उनके चुनौती को स्वीकार करते हुए आज तो हमने कहा, कल हमारी बात सारे पदाधिकारियों से हुई, हमने कहा कि हम लोग कल सांकेतिक बैठेंगे और धरना कैसे होता है, वो धरना हम लोगों को बखूबी जानकारी है, और हम लोग धरना देंगे। और कर्जपालक अभियंता के महोदय के समक्ष जो धरना होगा, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होगा। बुढ़ारी के उम्र में रघु लाइन खोजता नहीं, और धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। धरना प्रदर्शन पर इसलिए बैठे हैं कि आप लोग की सुने होंगे बाबू कुंवर सिंह का, 80 बरस के उम्र में हमारे इस भारत देश के लिए अंग्रेजों से उन्होंने लाठी भाजा। हम अपने पूर्वजों का किए हुए कार्य को भला कैसे भूल सकते हैं? लेकिन फिर भी क्या हम लोग उस कार्य को भूल जाएंगे हम लोग का? लेकिन फिर भी जो है कि आपको है ना कि हर्दी गर्दी बुला देंगे। क्यों नहीं, ऐसे बुला देंगे कि आप सांकेतिक धरना दिए हैं, उसके बाद आपको मुकर्रम डेट देंगे, उस डेट पर यदि आपकी व्यवस्था में सुधार नहीं होगी तो हम वहाँ आमरण अनशन करेंगे, और हम लोग विद्युत मंत्री को बनाते हैं। अच्छा, विद्युत मंत्री को जनता बनाती है, जनता को विद्युत मंत्री नहीं बनाते। लेकिन चाचा, ये बुढ़ारी उम्र में कहीं FIR दर्ज रहुआ पर हो जाए, कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है, मतलब जन कल्याण खातिर निकल गई, एकदम निकल गए हैं कि हम लोग लगावटा बांध कर लड़ाई देने के लिए तैयार है। आजकल के लड़ाई अखड़ा में नहीं, कागज पर होता। कागज, मैं पढ़े लिखा हूँ जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जिस भाषा में कहिएगा, हमारे भारत में जो जो तीन भाषा की जानकारी पढ़ाई होती है, वो तीनों भाषा में हम
लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि ये बिजली विभाग के द्वारा जो विद्युत आपूर्ति का जो सब जगह जो नियम 22 घंटा तक बना, उसमें बहुत चंद टाइम में लोगों को मिलता है, और इस गर्मी के परेशानी में सब लोग एकदम, तो जो जिस घर में पेशेंट है उस घर में उस पेशेंट का दम तोड़ने के कगार पर लोग पहुंच जा रहा है। उसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? उसका जिम्मेवार इस व्यवस्था विद्युत विभाग व्यवस्था को मानते हैं हम। ये भी बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि अगर फोन करने पर भी रिसीव नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि फोन करने पर यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं वो स्विच ऑफ कर लेते हैं और नहीं एथिक करते हैं। और हम चाहते हैं कि किस पंचायत में, किस गांव में, किस मिस्त्री का ड्यूटी है, उस मिस्त्री का नाम ही लोग लिस्ट टांगे और फोन नंबर के साथ है, चूँकि हम लोग संपर्क करें और जाने, अगर नहीं जाएंगे तो उनके साथ हम लतम जुतम पिटाई हम लोग करेंगे। इस तरह से बिगड़ैल घोड़ा के हम लोग मैंने चाल सिखाने के काम करते हैं, लगाम लगा के कोड़ा से चढ़ करके चार कोड़ा चुत पर देंगे वैसे वैसे पदाधिकारी, और इस मिस्त्री को हम लोग ठीक करेंगे। स्मार्ट मीटर तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगे, जो कमर्शियल है, जो कमर्शियल जगह है, उद्योगपति है, उन लोगों के यहाँ लगना चाहिए। यहाँ BDO साहब के यहाँ नहीं लग रहा है, थाना में नहीं लग रहा है, ब्लॉक में नहीं लग रहा है, और न बैंक में लग रहा है, और निरीह भोले भाले जो किसान हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके यहाँ चुपके से जाके लोग लगा दे रहा है, और परेशानी में मैंने उसे मैंने शोषण किया जा रहा है। तो हम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ में, मैं और हमारे जो भी हैं साथी हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लॉट लेके खरीदेंगे। पहले जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लेकर के जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे कि नहीं पहले तुम सुधारो जा करके, कमर्शियल जगह है या थाना ब्लॉक है सब जगह, और नहीं तो हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं, पूरा बहिष्कार। ग्रामीण क्षेत्र में तो स्मार्ट मीटर लगना ही नहीं चाहिए। वोट ले बानी सामने जो बहुत गर्मी के तो मौसम बा जी, आ गर्मी के मौसम में भी लाइन काट देता लोग। अच्छा, तो लाइन कटला के बाद छोट छोट धिया पुता बा, घर में नया नोचर बा, सब गर्मी से भी बेचैन बा, आ लाइन भी बंद कर देता लोग। तो बताएंगे धिया पुता आ नया नोचर कैसे रही मानदानी? अब पढ़े लिखे के लड़का भी स्कूल में जाता तो ओकरा भी पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होता, गर्मी से बर्दाश्त भी नहीं होत, घर में भी पढ़ता तो ओकरा भी बर्दाश्त नहीं होत। तो ये बताएं जे मानदानी हमनी तो पुरानिया बानी तो हमनी बाहर भी बिना ओना हाँक सकतानी, आ धिया पुता के या नया नोचर के कैसे व्यवस्था बा? पहले वो तो लाइन ना रहत रहे वो जमाना में, तो उस जमाना हमनी के कट गए। अच्छा, आ जबकि सरकार जबकि नया सिस्टम से लाइन के व्यवस्था दिल, तो लाइन के व्यवस्था रखे के चाहिए। घर में तेल मट्टी तेल भी बंद कर दिलन, तो मट्टी तेल नहीं के जे दिया बार के आदमी खाना बनाओ तो वो भी समस्या बा।